जयंत बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी माध्यम के पहला चैप्टर संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ही हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि दूसरा क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 क्लास 9th हिंदी मीडियम का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि क्या सभी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय होता है। तो हमने आपको परिमेय और अपरिमेय के बारे में बताया था कि जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या होती है और जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो आपसे प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय होगा और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा। और फिर दिया है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, पहले प्रश्न का जवाब दिया जाए कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो देखिए, हमने एक का वर्गमूल निकाला, एक तो एक को हम 1/1 यानी पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो जो पी बटा क्यू के रूप में हो जाता है वो परिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर 2 का वर्गमूल हम निकालें तो 2 का वर्गमूल निकलता ही नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। फिर 3 का वर्गमूल भी नहीं निकलता है, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर 4 का वर्गमूल निकालें तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, जिसे 2/1 यानी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये परिमेय संख्या होती है। इसी तरह से 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 6 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो यह भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 8 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन 9 का वर्गमूल निकलता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 को 3/1 और 3/1 यानी p/q के फॉर्म में हो गया, इसका मतलब कि ये परिमेय संख्या है। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा गया था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय भी हो रहा है और परिमेय भी हो रहा है, इसलिए यह कहना कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है यह गलत है। और फिर अगर पूछा है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखें, एक उदाहरण नहीं, ढेर सारे उदाहरण हैं कि एक का वर्गमूल भी परिमेय संख्या होती है, 4 का वर्गमूल भी परिमेय संख्या होती है, 9 का वर्गमूल भी परिमेय संख्या होती है, इसी तरह से 16 का वर्गमूल निकालें तो ये भी परिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर टू था, ये क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। देखें, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। एक चीज़ हम आपको बता दें कि √5 को निरूपित करने से पहले
आप लोग क्लास 8th में पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं। पाइथागोरस प्रमेय में होता ये था कि समकोण त्रिभुज होता था और समकोण त्रिभुज में ये आधार कहलाता था, ये लंब कहलाता था और ये कर्ण कहलाता था। और पाइथागोरस का प्रमेय यही है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के इक्वल होता है। ये है पाइथागोरस का प्रमेय। अच्छा देखो, अगर हम आधार को दो मान लें, आधार इजकल टू दो मान लें और लंब इजकल टू वन मान लें, तो फिर देखें क्या मिलेगा। तो अब अगर यहाँ से हम कर्ण का वर्ग निकालते हैं तो लंब तो एक है, तो एक का वर्ग निकालेंगे तो एक हो जाएगा, और आधार दो है, दो का वर्ग करेंगे चार हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ कर्ण का वर्ग बराबर एक में चार को जोड़ेंगे तो पाँच हो जाएगा, और यहाँ से अगर कर्ण निकालेंगे तो स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो कर्णी हो जाएगा। स्क्वायर जब बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो कर्णी हो जाता है, तो कर्ण जो होगा रूट फाइव के बराबर होगा। और समझो, आपको आपको संख्या रेखा पर रूट फाइव को ही दिखाना है, तो संख्या रेखा पर रूट फाइव को आप कैसे दिखाएंगे, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। आप चले ध्यानपूर्वक देखें, तो हम संख्या रेखा पर रूट फाइव को दिखाने जा रहे हैं। इसके लिए हम संख्या रेखा स्केल की सहायता से खींचेंगे। हम हाथ से खींच रहे हैं, आप हाथ से नहीं खींचेंगे, आप स्केल और पेंसिल की मदद से खींचेंगे। और देखिए, सबसे बीच में पॉइंट जीरो होता है, और एक काम करेंगे हम, स्केल से हम इधर 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये, स्केल से माप करके, तो 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये, तो यहाँ से यहाँ तक ये सीधी रेखा होगी। आप स्केल से सीधी रेखा खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये ए है, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से बिंदु ए से हम 1 सेंटीमीटर का लंब खींचेंगे। लंब हमेशा 90 अंश का कोण बनाते हुए होता है, और लंब खींचेंगे तो स्केल से माप करके 1 सेंटीमीटर का खींचेंगे, ये 1 सेंटीमीटर का होगा। अब ज़रा देखिए, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। अब हम जीरो से, और इस बिंदु को हम बी मान लेते हैं, तो अब हम स्केल से ही जीरो और बी को मिला देंगे। अब देखिए ज़रा, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो यही जो पाइथागोरस का प्रमेय हमने अप्लाई किया था, यहाँ लंब 1 था और आधार 2 था, तो 2 का वर्ग किए थे तो 4 हुआ था, तो 1 और 4 5 हो गया, और कर्ण हो गया कर्णी में 5, यानी यह दूरी सामने देखिए, यहाँ से यह दूरी 2 है और यह दूरी 1 है, तो अगर 2 और 1 का वर्ग करके हम जोड़ देंगे तो कर्णी में 5 हो जाएगा, ये हो गया कर्णी में 5। लेकिन संख्या रेखा पर आपको कर्णी में 5 दिखाना है, तो जानते हैं क्या करेंगे, अब हम प्रकार लेंगे, और प्रकार ले करके प्रकार की नोक ओ पर रखेंगे, और स्केल को बिंदु बी पर लगाएंगे, और बिंदु बी पर लगा करके हम यहाँ से चाप खींच देंगे, और यह चाप देखेंगे कि बिंदु किस बिंदु पर जा करके ये जो संख्या रेखा है, संख्या रेखा को काट रहा है, तो संख्या रेखा को बिंदु सी पर काट रहा है, तो ये जो बिंदु सी होता है यही रूट फाइव होता है। तो
तो इस प्रकार अगर हमको संख्या रेखा पर रूट फाइव को दिखाना हो तो ऐसे ही दिखाएंगे। हमें उम्मीद है कि ये जो प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.2 में कुल मिलाकर के तीन क्वेश्चन थे, और तीन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में है और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन दिया गया। हमें उम्मीद है कि ये सब दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे भी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।